कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। इस दुनिया की जननी मौत भी तुझसे हारी। नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट और इस वक्त आपके साथ मैं हूँ श्याम भवी सिंह। आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर हम महिलाओं की बात करें तो पहले की अपेक्षा अब काफ़ी सुधार देखने को मिला है। हर क्षेत्र में अब महिलाएं आगे बढ़ी हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। अगर हम पहले की बात करें 2015 तक महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और अब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक कई जगहों पर देखने को मिल रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अभी भी संख्या कम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संकेत है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो या फिर करियर का क्षेत्र हो, काफ़ी संख्या में महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं। अपने हक और हुकूक की लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन महिलाएं इसे बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाती आ रही हैं। हालांकि अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिला दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, गेम्स होती हैं और इसका मकसद बस यही रहता है महिलाओं की सराहना करना और उन्हें प्रेरित करना और एक प्लेटफॉर्म देना, एक मौका देना, उन्हें ये समझाना कि आप किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे ही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और उनकी राय लेना चाहते हैं। आप बताइए कि महिला दिवस है, ऐसे में कैसा लग रहा है आपको जिस प्रकार से अभी से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है, स्पेशल फील हो रहा है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है कि महिला है तो एक दिन हमने सेलिब्रेट कर लिया, ये हर दिन में। और मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर बराबर यहाँ जॉब में है, ये बहुत अच्छा साइन है और डेफिनेटली आने वाला टाइम हमारा होगा। जी बिल्कुल, इन्होंने जैसा कहा कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है बल्कि हर दिन इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं तो उसी प्रकार एक फेस्टिवल के तौर पे इसे देखा जाए कि एक डेडिकेट किया जाता है महिलाओं के लिए। आप बताइए महिला दिवस को किस तरीके से देखती हैं? महिलाओं के लिए मतलब बहुत अच्छा ही ये रहा है, हम बाद में सभी और क्षेत्रों में जिससे महिलाएं स्कूल के बाहर आ रही हैं, जॉब कर रही हैं और वह आगे क्षेत्र में आई हुई हैं। जी बिल्कुल, इनका भी यही मानना है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि महिला दिवस हम लोग आज 8 मार्च को तो मनाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को यह संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से 8 मार्च 1908 से महिला दिवस की शुरुआत हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए 15,000 महिलाएं एक साथ सड़क पर आई थी और उन्हें यह वेतन में समानता चाहिए था, उन्हें पुरुषों के बराबर छुट्टी चाहिए थी अपने कार्यस्थल पर, तो महिलाएं सामने आई। और 1908 से ये लगातार परंपरा चली आ रही है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगर इतिहास देखिए तो बहुत ही स्वर्णिम है, महिलाओं का योगदान है, लेकिन स्वर्णिम इतिहास होने के बावजूद हम राजाओं को तो याद रखते हैं पर शायद रानियों को भूल जाते हैं, लेकिन उन राजाओं की वीरता के आगे बहुत सारी वीरांगनाएं लगी हुई हैं और आज भी हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और महिलाएं घर की धुरी हैं। अगर आप कहें तो मैं 4 पंक्तियां भी महिलाओं के बारे में कहना चाहूँगी, मैंने पंक्ति लिखी है, कामकाजी हूँ, गृहिणी हूँ, ईश्वर की बड़ी ऋणी हूँ, आई धरा पर बन जब नारी, जोड़ती रिश्तों को मैं सारी, घर हो या हो दफ्तर, ईमानदारी से करती काम समय पर, व्रत पूजा से सहेजती अपनी संस्कृति, गहनों की प्रेमी हूँ, अपने परिधानों पर खुद इतराती हूँ, पैसे बचाकर गहने बनाकर मजबूत कड़ी बन जाती हूँ, संकट में सब लुटाकर भी खुशियाँ ही बांट जाती हूँ, नाज है मुझको मुझ पर, नाज है मुझको मुझ पर, हूँ ईश्वर की अनमोल कृति। बहुत धन्यवाद। नाज है हमें खुद पर, महिला होने पर नाज। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं, काजल मैम, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए मैम कि आप हर बार कुछ ना कुछ नया करते आ रही हैं और आज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे कई आप गेम्स भी करवा रही हैं, कार्यक्रम है, क्या क्या है और क्या सोच कर आप हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करती हैं? पहले तो सारी महिलाओं को जो यहाँ आई हैं उनको धन्यवाद और वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई आपको भी और जिली जी आपको भी।
मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए हमारे साथ। क्या होता है, हम घर पे खाना बना रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम ये काम है वो काम है, उसके बीच में अपने लिए हम अपने आप को भूल गए हैं। तो मैम ने तो बहुत अच्छा कहा, इतनी सारी हिंदी वर्ड्स थी, बहुत मज़ा आया सुन करके, उतना तो नहीं, बट हाँ ये कहूँगी कि आप अपने आप को स्पेशल बनाओ, आप अपने लिए सोचो। थोड़ा टाइम हमारे खुद के लिए बनता है। यहाँ पे BLBL शोरूम हमें अवसर देता है कि हम कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा नए नए तरीके से हम लोग जुड़ें। और साथ में आज जो है, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले, बहुत सारा गेम मैंने अरेंज किया है, मतलब हमने BLBL शोरूम और हम, और साथ साथ में महिलाओं को सम्मान देना है क्योंकि वो स्पेशल हैं हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से महिलाओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, कई तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पर होने वाले हैं और काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर महिलाएं धनबाद में सेलिब्रेट कर रही हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि महिलाओं को उनके हक के लिए आगे आना चाहिए, खुद आगे स्टेप लेनी चाहिए, किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। न्यूज़ पोस्ट धनबाद, शाम भवी से।